जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली जो CISF की 690 यानी 690 पोस्ट की जो वैकेंसी है, जो आपको काफ़ी YouTube चैनल पे या नोटिफिकेशन आ रही है बाकी वगैरह YouTube पे आप देख रहे हो, नई वैकेंसी सर्च करें, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, कुछ उसके डिटेल भी बता रहे हैं कि उसमें 18 साल से 35 साल की एज तक आप अवेलेबल हो, ASI इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल की ये वैकेंसी है, तो आप इसमें अवेलेबल हो, ये चाहिए, ये 9 फीट जंप चाहिए, 6 फीट ये इतनी हाइट चाहिए, 165 सेमी हाइट चाहिए और जंप, सभी प्रकार की जो डिटेल है उसमें बता रहे हैं। लेकिन शायद उनको वो फॉर्म की लास्ट डेट भी बता रहे हैं 8 फरवरी। अब इस बार तो मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, अगली बार से चैनल का नाम भी ले लूँगा, तो बहुत ही गलत न्यूज़ दे रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है। किसी भी भर्ती के बारे में आपको बताने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आप सर्च करोगे जाके कि वैकेंसी है कहाँ, जब साइबर कैफे वाले के पास में जाओगे ना वहाँ पे आपकी खिल्ली उड़ जाएगी, वैकेंसी कहाँ से सुनी है तुमने। तो वैकेंसी किसकी है दोस्तों, मैं बता दूँ, 690 पोस्ट की वैकेंसी, वो है डिपार्टमेंटली वैकेंसी, जो डिपार्टमेंट जो वैकेंसी होती है ये प्राइम मिलिट्री फोर्स में, वो वैकेंसी है। उसमें 5 साल की कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए, ट्रेडमैन कुक सभी उसमें अवेलेबल है पेपर देने के लिए, साथ में मतलब कोई भी उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, 18 साल से 35 साल तक की उसकी एज होनी चाहिए और 5 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए बटालियन, मतलब 1 साल ट्रेनिंग और 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, वो उसमें एलिजिबल है। तो ये बाहर की वैकेंसी नहीं है जो आपको CISF 690 पोस्ट की वैकेंसी बता रहे हैं, बहुत ही गलत जानकारी दे रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि असलियत क्या है। जब वैकेंसी के बारे में आप पढ़ो, गूगल कर लेना, उसके बारे में पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी केवल डिपार्टमेंट के लिए है और उसमें 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई ट्रेड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अरे भाई, वो वैकेंसी नहीं है तो ट्रेड एक्सपीरियंस किस लिए चाहिए? उसमें एक सीधी सी बात लिखी हुई है कि आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो उससे बड़ा क्या चाहिए फिर? और कोई है ही नहीं तो आप बगैर फालतू लेके धुएं उठा रहे हो। तो दोस्तों ये उसकी सच्चाई, और जितने भी आपके दोस्तों उनमें भी शेयर कर देना, कोई परेशान ना हो फालतू में इस वैकेंसी के चक्कर में कि ये वैकेंसी फेक है। वैकेंसी तो सही है लेकिन आपके लिए फेक हो गई, क्योंकि वो बता रहे हैं आपके लिए, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, केवल डिपार्टमेंट वालों के लिए वैकेंसी है जो CISF में जॉब कर रहे हैं, और अदर जॉब करें उनके लिए भी ये नहीं है, ओनली CISF वालों के लिए ये। ठीक है, जय हिंद।